नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई टीचिंग की कोई न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 23 दिसंबर 2018 को RSVT का एग्जाम है वो हो चुका है, तो उसके आंसर के भी हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमने जो आपको पढ़ाया है उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर आया है। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं आंसर की। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज का है। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेस में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कैलकुलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मिलान करें। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे हमने मिलान करना है कि एमएस वर्ड में क्या बनता है, एक्सेल में क्या बनता है, पावर पॉइंट में क्या बनता है, एक्सेस में क्या बनता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है, एक्सेल में सीट बनती है, पावर पॉइंट में स्लाइड बनती है और एक्सेस में डेटाबेस बनता है। तो उस आधार पर इसका आंसर सही है ए नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्तस्थान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। इसका आंसर है दोस्तों सेपरेट विंडो, और यह एमएस वर्ड में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेटा क्या है? इसका आंसर दोस्तों ए है, यह कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पीछे वाली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि डेटा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ओके, और इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन दी हुई है, ये दी हुई है कि ओएमआर का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है, तो ये गलत है। और दोस्तों, स्काइप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, यह तो एक चैट करने के लिए वेबसाइट होती है। यहाँ से हम ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, न कि हर्ट्ज में। ओके, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, रिक्तस्थान कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि दाईं तरफ के जितने भी कैरेक्टर यानी कि राइट साइड के अक्षर मिटाने हो तो डिलीट बटन काम आता है, और यह बात मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में यानी कि नोट्स वाली वीडियो में बताई भी थी। और दोस्तों, अगर बात आती है कि बाईं तरफ के, तो वहां पे होता है बैक स्पेस। ओके, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एकाधिक पृष्ठों में आएगा, और अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को एमएस एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि फिट शीट ऑन वन पेज। इससे क्या होता है यानी कि जैसे कि 2 या 3 पेज के अंदर हमारा मैटर आ रहा होता है वो ओनली एक पेज में फिट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर बी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में है? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, ये होती हैं। और दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है? इसका आंसर दोस्तों, इसमें केवल एक फील्ड होती है जो तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वक्तव्य 1, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है। और वक्तव्य 2 है, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्षक पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, यानी कि वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि दोस्तों टाइटल बार विंडो के ऊपर वाले हिस्से में होती है और स्टेटस बार विंडो के नीचे वाले हिस्से में होती है। ओके, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका आंसर ए है दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है? इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी कि इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नेम और पृष्ठ संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर ए है, यानी कि पावर विकल्प होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15,
ईमेल भेजने के दौरान रिक्तस्थान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है? तो इसका आंसर दोस्तों बी, यानी कि सब्जेक्ट। अगर आप किसी को मेल भेजते हो तो सब्जेक्ट वाले बॉक्स में हम लिखते हैं कि हमारे मेल का क्या सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विंडो 10 में सेटिंग ऐप विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित हैं? इसका आंसर दोस्तों ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों सीआरटी होता है, ये मॉनिटर होता है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। इसके अलावा माउस हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, टच पैड हो गया, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इसका डी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है पेटीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डेजी बहिल एक प्रकार का रिक्तस्थान है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया भी था, डेजी बहिल एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ओके, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेब ब्राउजर में रिक्तस्थान पर वांछित संसाधन का URL इनपुट करने और इसे प्रदर्शित करें। इसका आंसर दोस्तों सी, यानी कि एड्रेस बार। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वेब ब्राउजर के अंदर URL किस बार में रखा जाता है, तो वो दोस्तों एड्रेस बार में रखा जाता है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, वक्तव्य 1 न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है, वक्तव्य 2 MS Excel में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। इसका आंसर दोस्तों डी, यानी कि दोनों वक्तव्य सही है। और दोस्तों अगर आपके याद होगा तो ये दोनों वक्तव्य के बारे में मैंने पीछे वाली वीडियोस में आपको बताया भी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिक्तस्थान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। इसका आंसर दोस्तों फायरबॉल, और यह भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपके याद है क्या? अगर आपके याद है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो इसका आंसर सी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का चयन करें। तो दोस्तों सबसे पहले होता है PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में LAN होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में MAN होता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसके बाद में WAN, यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ओके, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों डी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल जेड होता है वो अंडू के लिए होता है, और रीडू के लिए यानी कि रिपीट के लिए कंट्रोल वाई होता है, तो इसका राइट आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MS Excel 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होना चाहिए? तो दोस्तों ये होता है पाई चार्ट। और दोस्तों अगर आपके याद होगा मैंने आपको बताया था कि चार्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा, और देखो आ गया। ओके, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, MS Word 2010 में आप रिक्तस्थान का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकती हैं। इसका आंसर दोस्तों डी, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों गूगल क्रोम होता है, यह एक वेब ब्राउजर होता है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों आप बहुत सारी विंडोज को एक ही डेस्कटॉप के अंदर मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए स्नैप असिस्ट होता है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो दोस्तों 3D प्रिंटर जो होता है वो भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। ओके, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिक्तस्थान एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा, प्रबंधित किया जाता है, दुरुस्त रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों यह होते हैं क्लाउड स्टोरेज, और इसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो दोस्तों ये होती है कैश मेमोरी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, 1 GB इक्वल होता है? इसका आंसर है दोस्तों ए, यानी कि 1 GB इक्वल 1 billion byte। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, MS Excel 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे ना क्वेश्चन को बहुत ही घुमा के उन्होंने पूछा है, ये सिंपल तरीके में भी पूछ सकते थे कि एमएस एक्सेल में हम किस प्रकार की डेटा फाइल को एंटर कर सकते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ही घुमा दिया है, तो इसका आंसर दोस्तों डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, URL का सही उदाहरण क्या है?
इसका आंसर दोस्तों ए। ओके, इसके बाद में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 35। मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप एमएस एक्सेल 2010 में खोलते हैं तो यह खुलेगी, यानी कि यह किस व्यू में खुलेगी? तो इसका आंसर डी है, यानी कि यह प्रोटेक्ट व्यू के अंदर खुलती है। ओके, और दोस्तों इसके अलावा एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बताना है कि हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली है। हम आपके सभी कमेंट का एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हैं, तो आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो प्लीज कम्युनिटी टैब के अंदर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, आपको यह आंसर की कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर दोस्तों आप इस आंसर की को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ऑफिशियल आंसर की भी कुछ टाइम में आ जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड करके और आप चेक कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइफ हाई टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।